hello everyone welcome to the layman way and this video is a part of my playlist on economics for upsc prelims which you can always go on the i button in the top right corner and view our full course alright guys if you are new to the channel do not forget to smash the like button subscribe and also turn on the notifications do recommend the video to your friends and if you are following this course do not forget to leave a comment down below so that we can motivate one another and let's get started so let's move ahead in our course और लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे होता है हमने उसके तीन मेथड्स देखे थे एक्सपेंडिचर मेथड इनकम मेथड और प्रोडक्ट या वैल्यू एडेड मेथड राइट आज हम ये डिस्कस करते हैं कि क्या जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर इज़ जीडीपी डी अ गुड इंडिकेटर क्या जी से यू you नो know, हम एक्चुअली में कंट्री का ग्रोथ बता सकते हैं कि कंट्री ग्रो हो रहा है कि नहीं कि कोई और पैरामीटर है जिससे हम ये चीज़ देख सकते हैं राइट right? तो चलो देखते हैं कि क्या कैसे होता है मतलब क्या जी गुड इंडिकेटर है कि नहीं है तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कि वेदर इट इज़ अ गुड इंडिकेटर और नॉट सबसे पहला है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है ठीक है तो जी में हम क्या मेजर कर रहे हैं हम ये मेजर कर रहे हैं कि फ़ाइनल गुड्स जितने भी प्रोड्यूस हुए हैं राइट वो कितना कंज्यूम हो रहे हैं राइट तो अगर ज़्यादा प्रोडक्ट कंज्यूम ज़्यादा यू नो फाइनल गुड्स एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो हम बोलेंगे कि जीडीपी ज़्यादा है राइट बट आपको पता है इंडिया में पोवर्टी कितनी ज़्यादा है राइट पोवर्टी पोवर्टी बहुत ज़्यादा है गरीबी बहुत ज़्यादा है इंडिया में बट जीडीपी तो ग्रो करता है मतलब ऑब्वियसली कोविड नहीं आता तो आईएमएफ एम एफ कि भाई इंडिया जो है वो, वो अराउंड सिक्स परसेंट ग्रो करेगा राइट बट पोवर्टी का लेवल तो उतना ही है ना पोवर्टी का लेवल तो चेंज हो नहीं रहा है तो एक्चुअली में क्या ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इंडिया ग्रो कर रहा है नहीं नहीं कर रहा क्यों क्योंकि वो इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि देखो इंडिया में जितना भी वेल्थ है ना मोस्ट ऑफ द वेल्थ इज कंसनट्रेटेड इन टेन परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन जो टेन परसेंट पॉपुलेशन है वही उस वेल्थ को ओन कर रही है बाकी नाइन्टी परसेंट दे आर जस्ट स्ट्रगलिंग ठीक है अब मुकेश अंबानी की पास जितनी वेल्थ है उतना तो कितने करोड़ों लोगों के पास भी नहीं होगी मिला जुला के समझ रहे हो तो दिस इज़ कॉल्ड इन इक्वालिटी द डिवाइड बिटवीन रिच एंड पुअर राइट ठीक है तो अगर कल को यू you नो know, कल को रिलायंस इंडस्ट्री अपना कंजम्पशन बढ़ा देती है ठीक है तो प्रोडक्ट और सर्विसेज़ तो ज़्यादा प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है क्योंकि रिलायंस uh, का कंजम्पशन बढ़ गया है बट क्या ये एक्चुअली में यू you नो know, जो एक uh, मतलब गरीब uh, तबदे का आदमी है उसके लिए क्या एक्चुअली में ग्रोथ आया है नहीं आया उसके लिए ग्रोथ राइट right? तो ये डिपेंड करता है कि जीडीपी डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है हाउ यूनिफॉर्म इज इट राइज इन द जी डी पी मे बी कंसनट्रेटेड इन देंड्स ऑफ अ वेरी फ्यू इंडिविजुअल्स और फर्म्स राइट ठीक है समझ में आ रहा है ना कि कुछ पर्टिकुलर लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा पै पैसा है और वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं ठीक है तो उनसे ही ड्राइव होता है जी समझ रहे हो आप और मैं बहुत कम तो ही एक्सपेंडिचर करते हैं राइट तो यही वो बोल रहे हैं कि जीडीपी ऐसा नहीं है कि मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन है ग्रोथ का नहीं ऐसा नहीं होता कि जीडीपी डी छः परसेंट से बढ़ रहा है तो एक्चुअली में कंट्री ग्रो कर रहा है ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है समझ में आ रहा है ये देखो ये वाला दिख रहा है ना कि भाई कुछ ही लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ठीक है और ये लोग स्ट्रगल कर रहे हैं समझ रहे हो तो जी कौन इन्फ्लुएंस करेगा जी ये लोग इन्फ्लुएंस करेंगे जिनके पास सबसे ज़्यादा पैसा है राइट तो ये एक फैक्टर हो गया कि ये इंडिकेटर अच्छा इसलिए भी नहीं हो सकता क्योंकि डिपेंड करता है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है दूसरा नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस जैसे डोमेस्टिक वर्क हो गया अब जो घर में आपकी मम्मी आ, काम वगैरह करती हैं उनको उसके लिए पैसा थोड़ी मिलता है है ना तो ये वाला ये भी सर्विस वो प्रोवाइड कर रही है आपके हाउस होल्ड के लिए बट क्या क्या ये जीडीपी में इंक्लूड होता है नहीं दिस इज़ कॉल्ड केयर वर्क ये सब जीडीपी में इंक्लूड नहीं होता है तो एक्चुअली में तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा ना कि क्या सर्विसेज इकोनॉमी uh, में हैं क्योंकि आप ये वाली चीज़ को इंक्लूड कर नहीं रहे हो तो एक ये पॉइंट हो गया दूसरा बाटर एक्सचेंजेस भी काउंट नहीं होते बाटर एक्सचेंज क्या होता है कि भाई मान लो आपको चॉकलेट ख़रीदना है ठीक है आपको चॉकलेट चाहिए बट आपके पास पैसे नहीं हैं आपके पास मान लो यू you नो know, एक एक्लेयर्स है ठीक है और इस आदमी के पास एक चॉकलेट है इसको एक्लेयर्स चाहिए आपको चॉकलेट चाहिए तो आप क्या करोगे इसके पास जाओगे आप इससे बोलोगे कि यार मेरे को तुम चॉकलेट दो मेरी एक्लेयर्स ले लो दिस इज़ कॉल्ड बाटर एक्सचेंज जहाँ पे कॉमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है डायरेक्ट नो मनी नो मनी इज़ इन्वॉल्व पैसा इन्वॉल्व नहीं होता है सिर्फ कॉमोडिटीज़ का एक्सचेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं बाटर एक्सचेंज ठीक है तो ये सब भी जी में काउंट नहीं होता क्योंकि जी में तो हम वैल्यू मेजर करते हैं ना फाइनल गुड का जो वैल्यू है उसको मेजर करते हैं अब यहाँ पर तो मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो हम वैल्यू कहाँ से मेजर करेंगे हम नहीं कर पाएंगे वैल्यू मेजर राइट तो एक ये चीज़ हो गई दूसरा क्या है कि एक्सटर्नलिटीज़ आर नॉट काउंटेड एक्सटर्नलिटीज़ का क्या मतलब है कि जैसे भाई मान लो आ, मान लो कोई कंपनी है ठीक है अब कोई कंपनी कार प्रोड्यूस अगर कर रही है ठीक है तो वो वाटर भी कंज्यूम कर रही होगी वो इंडस्ट्री है तो भाई आ, सब कुछ लगता है पानी लगता है ठीक है और उसके बाद इसका जो वेस्ट है वो बाहर इन्वायरमेंट में सिक्रीट हो रहा है चिमनी से धुआं निकल रहा है राइट तो ये सब आ, क्या कर रही है ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट कर रही है राइट इन सब का इन सब का पैसा तो हम नहीं काउंट कर रहे हैं ना जे में कि पहले जो इन्वायरमेंट था वो अच्छा था अब आपने इसको पॉल्यूट कर दिया है ना तो उसका पैसा आप दो उसका एज अ पेनल्टी दो ये सब काउंट नहीं हो रहा है जी में राइट तो ये सब भी काउंट होना चाहिए ठीक है आप रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो बट पॉल्यूशन भी आप उतना ही कर रहे हो ठीक है एक तो रिसोर्स भी यूज़ कर रहे हो ऊपर से पॉल्यूशन भी कर रहे हो तो ये सब जी में काउंट होता नहीं है राइट तो ये सब बट डेवलपमेंट में काउंट होता है कितनी डेवलप्ड इकॉनमी है जो भी ज़्यादा डेवलप्ड इकॉनमीज़ होती हैं वो अपना यू नो कार्बन एमिशन को डाउन करने का कोशिश करती हैं इंडिया कर रहा है इंडिया स्टिल इज़ अ डेवलपिंग कंट्री बट इंडिया ट्राइज सो हार्ड टू बी यू नो टू लीड दिस टू लीड दिस क्लाइमेट चेंज एफर्ट्स इन द ग्लोब राइट चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ले लो चाहे वन ग्रेड वन यू नो वन सन वन ग्रेड वाला इनिशियटिव ले लो राइट तो इंडिया इज़ ट्राइंग अलाट इन दिस प्लानेशन का ट्राइव ले लो है ना तो ये सब हम काउंट नहीं करते जी डी पी में तो ये सब इसके डिफ़ल्ट हैं मतलब कि जी डी पी एक्चुअली में रियल इंडिकेटर नहीं है ग्रोथ का समझ में आ रहा है नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्या होती है अब इन्वेंट्री तो बहुत ही बेसिक टर्म है क्या होता है इन्वेंट्री जो आप स्टॉक करे रखते हो ना प्रोडक्ट उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री उसी को तो बोलते हैं इन्वेंट्री जो आपके गोडाउन में पड़ा रहता है जो आपके वेयर हाउस में गुड्स पड़े रहते हैं चाहे वो फिनिश्ड हो चाहे वो सेमी फिनिश्ड हो अनसोल्ड स्टॉक को बोलते हैं हम इन्वेंट्री तो स्टॉक ऑफ अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स सेमी फिनिश्ड गुड्स और रॉ मटेरियल्स विच अ फर्म कैरीज ओवर वन ईयर टू द नेक्स्ट ईयर इज कॉल्ड इन्वेंट्री ठीक है तो इवेंट्री इज़ अ स्टॉक वेरिएबल स्टॉक वेरिएबल क्यों है क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पर हम इन्वेंट्री डिफाइन करते हैं कि आज लेट से दो बजे मेरे पास इन्वेंट्री इतनी थी उसके बाद हो सकता है चेंज हो गई हो है ना चेंज ऑफ इन्वेंट्री ऑफ अ फॉर्म ड्यूरिंग अ ईयर इज इक्वल टू द प्रोडक्शन ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर माइनस द सेल ऑफ द फॉर्म ड्यूरिंग द ईयर तो इन्वेंट्री बेसिकली क्या होता है जितना अनसोल्ड स्टॉक रह गया है ना जितना अनसोल्ड स्टॉक रह गया उसको हम इन्वेंट्री बोलते हैं तो अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे कि फॉर्म ने जितना प्रोड्यूस किया ठीक है माइनस जितना सेल हुआ ठीक है जितना प्रोड्यूस किया माइनस जितना सेल हुआ वही उसके बाद ही जब आप डिफरेंस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि बचा कितना और वो बचा जितना होता है उसी को हम बोलते हैं इन्वेंट्री राइट सो दैट इज़ कॉल्ड इन्वेंट्री अनस्टोल्ड स्टॉक कितना है आपके पास दैट इज कॉल्ड इन्वेंट्री ठीक है और चेंज इन इन्वेंट्री इज अ फ्लो वेरिएबल चेंज जो चेंज जब भी हम निकालते हैं तो वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा दैट वुड बी अ फ्लो वेरिएबल ठीक है उसके बाद देखते हैं अब अब यहाँ से जो कंसेप्ट हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं तो ध्यान से सुनना एकदम कान खोल के पहला कंसेप्ट है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड इसका क्या मतलब है ठीक है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या है देखो इंडिया में ठीक है इंडिया में बहुत लोग बहुत टाइप के लोग काम करते हैं इंडियन सिटीजन्स भी हैं ठीक है फॉरेनर्स भी काम करते हैं राइट ऐसे ही बाहर की कंट्रीज़ में बाहर की कंट्रीज़ में उनके सिटीज़न्स होते हैं और इंडियंस भी होते हैं बाहर है ना इंडियंस भी बाहर काम कर रहे होते हैं तो मान लो ये इंडियन है यहाँ पे ये अपना इंडिया है ठीक है और ये यूएस है ठीक है अब यहाँ पे क्या है इंडिया में ये इंडियन सिटीज़न है और ये अमेरिकन है ठीक है और यहाँ पे ये इंडियन सिटीज़न है यू में ये इंडियन सिटीज़न है ठीक है तो मैं कोई बात बताओ ये जो ये जो बंदा कमाएगा यू में ये कहाँ भेजेगा वो इंडिया में ही भेजेगा एज रेमिटेंसेज ठीक है अपने घर पर भेजेगा पैसा कुछ तो भेजेगा ही पैसा जितना भी कमा रहा है उससे तो यहाँ से पैसा अंदर आएगा इंडिया में आएगा और ये जो अमेरिका वाला बंदा इंडिया में रहकर कमा रहा है वो यूएस भेजेगा अपना इनकम एज अ रेमिटेंस टू यूएस ठीक है तो यहाँ से ये पैसा बाहर जाएगा ठीक है यहाँ से पैसा अंदर आ रहा है यहाँ से पैसा बाहर आ रहा है अगर मैं आपसे ये पूछूँ कि नेट में कितना पैसा अंदर आ रहा है तो आप क्या बोलोगे कि भाई ये जो बाहर वाले इंडियन है जो ये अंदर भेज रहा है ये जो रेमिटेंस भेज रहा है अंदर माइनस जो फॉरेनर मेरा बाहर भेज रहा है मान लो ये अगर ए है ये जो भेज रहा है वो ए है और ये जो बाहर फॉरेनर यूएस में भेज रहा है वो बी है तो मैं क्या बोलूँगा ए माइनस बी ए माइनस बी वुड बी व्हाट ए माइनस बी वुड बी द टोटल इनकमिंग इनफ्लो ऑफ द इनकम राइट यही होगा ना उसी को हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या होता है कि बाहर जो इंडियंस रह रहे हैं वो जो कमा रहे हैं वो जो कमा रहे हैं माइनस जो फॉरेनर्स हमारे इंडिया में रहकर कमा रहे हैं दैट उनका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ठीक है इनकम ऑफ इंडियन नेशनल्स अब्रॉड जो बाहर इंडियंस रह रहे हैं उनका इनकम माइनस इनकम ऑफ़ फॉरेनर्स इन इंडिया जो फॉरेनर्स इंडिया में काम कर रहे हैं उसका उन उन दोनों का डिफरेंस समझ में आ रहा है क्योंकि ये वाला बंदा बाहर भेजेगा पैसे और ये वाला बंदा इंडिया में भेजेगा पैसे ठीक है तो उन दोनों को माइनस करके नेट फ्लो निकलता है इनकम का जो अंदर आ रहा है ड्यू टू मतलब जो इंडिया के अंदर आ रहा है ठीक है दैट इज़ कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड मतलब बाहर से कितनी इनकम नेट में आ रही है समझ में समझ में आ रहा है ना बाहर से नेट इनकम कितनी अंदर आ रही है दैट इज़ कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड तो बाहर के लोग अंदर कितना पैसा भेज रहे हैं मतलब इंडियंस जो बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया में कितना पैसा भेज रहे हैं या फिर उनकी इनकम कितनी है माइनस जो इंडिया जो फॉरेनर्स हैं जो इंडिया में रह रहे हैं वो बाहर कितना पैसा भेज रहे हैं उनका डिफरेंस होता है नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ठीक है उसके बाद ये निकलता कैसे अब देखो जी जो हमने बोला द द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना दैट वी वर टॉकिंग अबाउट तो वो क्या था कि इंडिया में बेसिकली कितना यू नो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ दैट वाज जीडीपी राइट अब इसमें अब इसमें हम हमें क्या करना है हमें हमें नेशनल प्रोडक्ट निकालना है नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ नेशनल प्रोडक्ट होता क्या है तो नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है नेशनल वर्ड देखो नेशनल लिखा है नेशनल मतलब जो नेशन का बंदा हो उसी को नेशनल बोलते हैं राइट जो नहीं होता उसको एंटी नेशनल बोलते हैं ना तो नेशनल मतलब जो इंडियन सिटीजन्स जितने भी इंडियन सिटीजन्स जहाँ पे भी रह के जितना भी इनकम जनरेट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है इंडियन सिटीजन्स की इनकम को बोलते हैं हम आ, इंडिया ये नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है इंडियंस कितना कमा रहे हैं अब वो कैसे निकालेंगे हम इंडियंस कितना कमा रहे हैं देखो कैसे निकालेंगे इंडिया में ये मान लो ये इंडिया है ठीक है इंडिया में बहुत सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं ठीक है बहुत सारी प्रोड्यूस सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं ये तो है ही ठीक है अब इंडिया वाले बाहर भी कुछ सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है जो हमने नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड बोला तो क्या हो रहा है कि देखो अब क्या हो रहा है कि जो फॉरेनर है जो इंडिया में रह रहा है ठीक है वो ये सर्विसेज़ बाहर दे रहा है ठीक है और ये जो बाहर रह रहा है इंडिया इन, आ, बाहर रह रहे हैं इंडियन सिटीज़न वो अपनी सर्विसेज़ इंडिया में भेज रहा है ठीक है क्योंकि मॉनेटरी वैल्यू को हम मेजर कर रहे हैं ना जी में जी क्या होता है द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक इकॉनमी यही होता है ना तो ये रहा जी डी पी हमारा ये पूरा टोटल चाहे वो इंडियन सिटीजन ने किया हो चाहे वो फॉरनर ने किया हो टोटल मिला के क्या हो गया हमारा वो हो गया जी डी पी जी डी पी यही तो होता है डोमेस्टिक कंट्री के अंदर कितना वैल्यू ऑफ़ गुड्स एंड प्रोड्यूस सर्विसज प्रोड्यूस हो रहा है दट इज़ कॉल्ड जी डी पी ठीक है अब हमें हमें तो क्या चाहिए हमें सिर्फ इंडियंस का चाहिए समझ रहे हो हमें सिर्फ इंडियंस का ये चीज़ चाहिए कि इंडियंस कितना कमा रहे हो सकता है ये फॉरेनर कमा का हो हमने वो भी इंक्लूड किया हुआ है जीडीपी में है ना बट हमें सिर्फ इंडियंस का चाहिए चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो हमें वो चीज़ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि इस जी में से हम क्या करेंगे ये जी तो इंडिया का था इसमें सबसे पहले हम क्या ऐड करेंगे कि जो बाहर इंडियंस हैं जो बाहर इंडियंस इंडिया में पैसा भेज रहे हैं ठीक है तो मान लो वो ए है जैसे कि मैंने पिछले में बताया था दैट दिस इज़ ए फिर हम इसमें से वो चीज़ माइनस करेंगे जो फॉरेनर बाहर भेज रहे हैं इंडिया के है ना दैट इज़ बी मान लो दिस इज़ बी ठीक है तो ए माइनस बी हम इसमें इस, आ, इस से ऐड करेंगे तो ये चीज़ हमने क्या पढ़ी दिस वॉज नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड यही तो नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड है तो जी डी पी प्लस इंडियंस जो बाहर के जो बाहर के बाहर इंडियन सिटीजन रह रहे हैं जो वो इंडिया में पैसा भेज रहे हैं माइनस जो फॉरेनर्स इंडिया में रह के कमा रहे हैं और वो बाहर भेज रहे हैं समझ में आ रहा है उनका डिफरेंस जो हो जाएगा जीडीपी डी में जब हम ऐड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है क्योंकि ये क्या आ गया ये चीज़ आ गई कि इंडियंस कितना कमा रहे हैं चाहे वो इंडियंस इंडिया के अंदर हों चाहे वो इंडियंस इंडिया के बाहर हों समझ में आ रहा है तो कुल मिला के नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है नेशनल प्रोडक्ट इज़ इनकम ऑफ ऑल इंडियन सिटीजन्स वेदर इनसाइड इंडिया और आउटसाइड इंडिया समझ में आ रहा है चाहे वो इंडिया के अंदर हो चाहे वो इंडिया के बाहर हो इंडियंस कितना टोटल पैसा कमा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड नेशनल प्रोडक्ट ये हम कैसे निकालते हैं ये हम निकालते हैं जीडीपी जीडीपी जो कि होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंडियंस प्लस फॉरेनर्स दोनों इंक्लूड रहते हैं ठीक है उसमें से हम क्या करते हैं उसमें से हम नेट फैक्टर इनकम अब्रोड को माइनस कर देते हैं मतलब इसमें ऐड करते हैं सॉरी नेट फैक्टर इनकम अब्रोड क्योंकि ये डिपेंड करता है माइनस होगा प्लस होगा कि बाहर से पैसा ज़्यादा आ रहा है कि जा बाहर ज़्यादा आ रहा है समझ में आ रहा है ना वो डिपेंड करता है तो हम कुल मिला क्या करते हैं जीडीपी में से फॉरेन वाला पार्ट हटा देते हैं और जो बाहर इंडियंस का इनकम है वो ऐड कर देते हैं तो उससे हमारा आ जाता है क्या उससे हमारा आ जाता है नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है तो यही है नेशनल प्रोडक्ट इज जीडीपी प्लस माइनस नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड ठीक है ये होता है नेशनल uh, प्रोडक्ट चलो देख लेते हैं इसको और थोड़ा डीप में इनकम अर्नड बाय ऑल इंडियंस डोमेस्टिकली तो जितने भी इंडियंस डोमेस्टिक इकोनॉमी में जितना कमा रहे हैं प्लस जो बाहर कमा रहे हैं समझ में आ रहा है इंडियंस नैशनल मतलब इंडियंस इसे याद रख लो नेशनल मतलब इंडियंस इंडियंस जहाँ भी रह के जितना भी कमा रहे हैं वो सारा जीएनपी होता है समझ में आ रहा है चाहे वो इंडिया में रहकर कमा रहे हो चाहे वो इंडिया के बाहर रहकर कमा रहे हो इंडियंस जितना भी पैसा कमा रहे हैं दैट इज कॉल्ड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ठीक है इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम ठीक है ऑब्वियसली पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ही हम मेजर करते हैं इसको अब देखो अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब हमें नेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं हमें जब नेट निकालना होता है तो हम ग्रॉस में से डेपरीशिएशन माइनस करते हैं है ना ग्रॉस में से हम डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो हमारा नेट आ जाता है तो अभी ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है अगर मैं आपसे पूछूँ कि मेरे को नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो आप क्या बोलोगे नेट नेशनल प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ये जो ग्रॉस है उसमें से हम डेपरीशिएशन माइनस कर देंगे इसमें से मैं डेपरीशिएशन माइनस कर दूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा तो मेरा नेट नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा तो यही बोल रहा है वन डेप्रीशिएशन इज़ अकाउंटेड ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डप्रीसीशिएशन इज़ कॉल्ड नेट नेशनल प्रोडक्ट समझ में आ रहा है ये जो रूल था ना रूल नंबर वन ग्रॉस माइनस डेप्रीशियशन इज़ कॉल्ड नेट वही चीज़ हर जगह लगेगी आगे भी आगे भी याद रखना ये चीज़ इसमें दो चीज़ें याद रखने वाली हैं सिंपल लैंग्वेज में कि नेशनल मतलब इंडियंस जितना कमा रहे हैं ग्रॉस मतलब टोटल है अब इसमें से नेट निकालना होगा तो ग्रॉस में से हम डेप्रीशिएशन uh, को माइनस करेंगे तो मेरा नेट आ जाएगा और डोमेस्टिक जो है डोमेस्टिक में से अगर हम नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को हटाएंगे तो हमारा नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा मतलब नेट फैक्टर इनकम एब्रॉड को हम इंक्लूड करेंगे चाहे वो प्लस हो चाहे वो माइनस हो ठीक है तो हमारा क्या आ जाएगा हमारा नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा ठीक है अब एक और कंसेप्ट है जिसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है फैक्टर कॉस्ट इज बेसिकली आपका कितना खर्चा आया है प्रोडक्ट को बनाने में समझ में आ रहा है आप जब कार बना रहे हो ठीक है आप जब कार बना रहे हो तो उसको बनाने में रॉ मटेरियल्स का कुछ कॉस्ट होगा ना रॉ मटेरियल होगा लेबर होगा एक्स वाई जेड चीज़ें लगी होंगी तो इन सब का टोटल कॉस्ट इज़ कॉल्ड द फैक्टर कॉस्ट ठीक है तो ये वो कॉस्ट है कि भाई इसमें ये ऐसी कॉस्ट है कि देखो फैक्टर कॉस्ट इज कॉस्ट ऑफ ऑल द रॉ मटेरियल्स प्लस लेबर जितना आपका लगा है ना वो मिला के सब फैक्टर कॉस्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का कॉस्ट है बेसिकली ऐसे समझो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है लैंड लेबर है ना कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योर का प्रॉफिट है ना ये सब मिला के जो आता है उसको हम क्या बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट जब हम फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस लगाते हैं ठीक है और सब्सिडीज़ को माइनस करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है तो हमारा आ जाता है मार्केट प्राइस समझ में आ रहा है जो कार जब मार्केट में बिकती है उसका जो प्राइस होता है वो कैसे आता है वो फैक्टर कॉस्ट में जब हम गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगा रही है वो हम लगाते हैं और फिर जब वो गवर्नमेंट अगर कोई सब्सिडी दे रही है तो उसको हम माइनस कर देते हैं उसमें से है ना सब्सिडी मतलब कि गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा दे रही है तो वो हम माइनस कर देते हैं इसमें से तो मार्केट प्राइस आ जाता है समझ में आ रहा है तो फैक्टर कॉस्ट क्या होता है इट इंक्लूड्स ओनली द पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इट डज नॉट इंक्लूड एनी टैक्स जैसे मैंने कि बताया लैंड लेबर ठीक है लैंड लेबर कैपिटल ठीक है कैपिटल प्लस जो एंटरप्रेन्योर है ठीक है जो एंटरप्रेन्योर है उसका प्रॉफिट ये मिला के क्या होता है ये मिला के जो वैल्यू आती है उसको हम बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट क्या बोलते हैं उसको फैक्टर कॉस्ट अब फैक्टर कॉस्ट में जब हम टैक्सेस ऐड कर देते हैं ठीक है जब हम टैक्सेज ऐड कर देते हैं और जब हम क्या ऐड कर देते हैं सब्सिडीज ऐड कर देते हैं ठीक है तो क्या आ जाता है तो आ जाता है मार्केट प्राइस समझ में आ रहा है क्या आ जाता है मार्केट प्राइस ठीक है ये होता है तो फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज मार्केट प्राइस करेक्ट तो अभी क्या है अभी देखो एक चीज बहुत अच्छी है इसमें कि मान लो ये ये क्वेश्चन देखो अब ये वाली फैक्टर कॉस्ट प्लस टैक्सेस माइनस सब्सिडीज इज इक्वल टू मार्केट प्राइस अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि मार्केट प्राइस कल को किसी चीज़ का बढ़ गया ठीक है तो क्या ये ज़रूरी है कि फैक्टर कॉस्ट बढ़ा हो है ना क्या ये ज़रूरी है नहीं ज़रूरी नहीं है हो सकता है टैक्स बढ़ गया हो सकता है टोटल प्रोडक्शन पे टैक्स बढ़ गया हो इसी मार्केट प्राइस बढ़ा हो है ना ये भी हो सकता है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर वैल्यू जो है फाइनल प्रोडक्ट की वो बड़ी है दैट नेसेसरली मीन्स कि जो हमारा प्रोडक्शन है वो बढ़ा है समझ में आ रहा है क्या बोलने का मतलब है मान लो आप दो कार आज प्रोड्यूस कर रहे हो ठीक है दो कार आप दस रुपए की अगर प्रोड्यूस कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल है ना और इस पर दो कार पे टैक्स आपका लेट से पाँच रुपए लग रहा है ठीक है दो कार पे आपका टैक्स पाँच रुपए लग रहा है ठीक है और कल को आपका टैक्स बढ़ के पंद्रह रुपये हो गया ठीक है तो आपका जो दो कार का कॉस्ट है वो पाँच रुपये इसमें बढ़ जाएगा वो भी पंद्रह रुपये हो जाएगा सॉरी दस रुपये बढ़ जाएगा तो ये बीस रुपये हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ गुड तो बढ़ गया बट क्या प्रोडक्शन बढ़ा कार तो आपने दो ही प्रोड्यूस कर रही है ना अभी भी बट ये टैक्स बढ़ा है समझ में आ रहा है ये टैक्स का इंक्रीज़ हुआ है इसी वजह से फाइनल आउटपुट जो है हमारा वो बढ़ रहा है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्शन के इंक्रीज़ से ही आउटपुट बढ़े आउटपुट टैक्स के बढ़ने से भी बढ़ सकता है समझ में आ रहा है टैक्स अगर बढ़ेंगे तो आउटपुट मेजर भी बढ़ेगा है ना क्योंकि ये मार्केट प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि हम तो वैल्यू मेजर करते हैं ना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की तो फाइनल गुड्स का अगर प्राइस बढ़ रहा है टैक्सेस बढ़ने की वजह से तो हम तो बोलेंगे कि भाई जीडीपी बढ़ गया बट ऐसा क्या है एक्चुअली में है नहीं ऐसा एक्चुअली में नहीं है क्योंकि ये टैक्स बढ़ने से हुआ है समझ तो में आ रहा है तो हम क्या करते हैं हम ग्रोथ को कंप्यूट करने के लिए हम ग्रोथ को कंप्यूट करने के लिए हम एक्चुअल रियल ग्रोथ देखने के लिए कि कंट्री की रियल ग्रोथ कितनी है या सेक्टर की रियल ग्रोथ कितनी है हम उसमें क्या करते हैं हम उसमें फैक्टर कॉस्ट को इंक्लूड करते हैं तो फैक्टर कॉस्ट में बेसिकली टैक्सेस वैक्सेज होते नहीं हैं तो फैक्टर कॉस्ट जो है वो एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ग्रोथ एक्चुअल में हो रहा है कि इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ़ द टैक्सेस समझ में आ रहा है फैक्टर कॉस्ट क्योंकि बढ़ेगा तो हमको पता है कि भाई प्रोडक्शन यूनिट बढ़ रहा होगा तभी बढ़ेगा फैक्टर कॉस्ट ठीक है या फिर लैंड लेबर कैपिटल आप ज़्यादा एम्प्लॉय कर रहे हो है ना तभी फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगा और लैंड लेबर कैपिटल आप अगर ज़्यादा इंप्लॉय कर रहे हो तो आप प्रोडक्शन भी ज़्यादा कर रहे हो है ना तो ये होता है अब जी एन पी इज टू जी डी पी प्लस नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड ये मैं आपको बता ही दिया कि ये कैसे आता है जी नेशनल प्रोडक्ट हमें इंडियन सिटीजनस का निकालना है बस इनकम तो हम जी डी पी में से जी uh, में ये नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड जो है उसको ऐड कर देते हैं और नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड क्या था जो बाहर से आ रहा है माइनस जो इंडिया से बाहर जा रहा है ठीक है जितना इनकम इंडियन सिटीजन बाहर से अंदर भेज रहे हैं माइनस जो फॉरेनर्स इंडिया से बाहर भेज रहे हैं समझ में आ रहा है तो ये कंसेप्ट है अब हम क्या करेंगे अब हम रिलेशंस डिराइव करेंगे तो हमने क्या पढ़ लिया हमने एक नेशनल प्रोडक्ट पढ़ लिया ठीक है हमने नेशनल प्रोडक्ट पढ़ा हमने डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ा ठीक है हमने फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया ठीक है और हमने मार्केट प्राइस पढ़ लिया समझ में आ रहा है हमने मार्केट प्राइस पढ़ लिया फैक्टर कॉस्ट पढ़ लिया और डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिया ठीक है डोमेस्टिक प्रोडक्ट पढ़ लिया और नेशनल प्रोडक्ट पढ़ लिया और हाँ और हमने एक ये भी पढ़ा एक ग्रॉस और नेट का कंसेप्ट हमने पढ़ा ठीक है ग्रॉस और नेट का तो अब हमें इसमें रिलेशन डिटरमाइन करें कितने रिलेशन बनेंगे एक दो तीन चार पाँच छः दो ये एक पंडल हो जाएगा दो दो चार और आठ एट रिलेशन टोटल बनेंगे ठीक है टू इंटू टू इन टू टू परमिटेशन कॉम्बिनेशन से देखते हैं कैसे बनेंगे ठीक है अब ये रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए सबसे पहले है कि तीन बेसिक रूल आप याद रखो कि नेट अगर आपको कोई वैल्यू निकालनी है तो वो क्या होगा ग्रॉस माइनस डेप्रशियन ये याद रख लो कि नेट अगर कोई वैल्यू होती है दैट इज़ ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन ये पहला रूल है ठीक है दूसरा रूल क्या है कि अगर हमें किसी को चीज़ का मार्केट प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस को ऐड करेंगे और सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे जैसे कि पिछले स्लाइड में बताया था ठीक है ये रूल नंबर टू है ध्यान रखना और बस ये दो या ये दो चीज़ें याद रखो और बाकी जीडीपी और जो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और नेशनल प्रोडक्ट है उसका तो कंसेप्ट मालूम ही है नेशनल प्रोडक्ट इंडियंस का होता है डोमेस्टिक प्रोडक्ट विद इन द कंट्री होता है ये तीसरा नंबर रूल है ठीक है तो चलो कैलकुलेट करते हैं तो अगर मान लो तो पहला रिलेशन ये है कि हमको जी जो है जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वहाँ से हमको नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है ठीक है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालना है तो कैसे निकालेंगे तो ग्रॉस है यहाँ नेट है हम क्या करेंगे इसमें से डेप्रीशिएशन माइनस कर देंगे है ना तभी हमारा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट आ जाएगा तो आ गया पहला पहला रिलेशन हमारा आ गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज इक्वल टू ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डेप्रीशिएशन ठीक है क्योंकि ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तभी नेट आएगा ठीक है ये हो गया अब हमको क्या क्या निकालना है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो जब हमको ग्रॉस से नेट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं उसमें डेप्रीशिएशन माइनस करते हैं तो फिर से डेप्रीशिएशन माइनस हो गया अब यहाँ देखो यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट नेशनल प्रोडक्ट दोनों में सेम है यहाँ पे बस डिफरेंस कहाँ आ रहा है नेट और ग्रॉस में तो नेट अगर हमको कोई चीज़ का निकालना होता है तो हम इसमें डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं ठीक है तो नेट नेशनल प्रोडक्ट क्या हो गया ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन ठीक है अब अब थोड़ा टफ होने वाला है टफ तो कई होने वाला है सिंपल है अभी भी अब हम क्या करेंगे जी डी पी में निकालेंगे तो जी डी पी जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट ठीक है और जी डी पी जी डी पी ऐट मार्केट प्राइस ठीक है इन दोनों में हमको रिलेशन निकालना है कि जीडीपी मार्केट प्राइस पे कितना है और जीडीपी फैक्टर कॉस्ट में कितना है तो हम क्या करेंगे हमें जब भी मार्केट प्राइस निकालना होता है तो हम कैसे निकालते हैं फैक्टर कॉस्ट में हम टैक्सेस को ऐड कर देते हैं और सब्सिडीज़ को माइनस कर देते हैं तो वही सेम चीज़ हम इधर करेंगे हम इसमें क्या करेंगे हम इसमें टैक्सेस को ऐड कर देंगे और सब्सिडीज़ को माइनस कर देंगे करेक्ट ये देखो टैक्सेज ऐड कर दिए सब्सिडीज़ माइनस कर दी प्रोडक्ट टैक्सेस ऐड कर दिए प्रोडक्ट सब्सिडीज माइनस कर दी तो हमारा क्या आया जी डी पी एट मार्केट प्राइस समझ में आ रहा है जी डी पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज ठीक है ये हो गया अब सिमिलर चीज हम किसके लिए करेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के लिए नेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे निकलेगा ग्रॉस नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमें कैसे निकालता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट माइनस डिप्रिशिएशन बट अब हमको क्या करना है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच में रिलेशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो मार्केट प्राइस पे होगा वो क्या होगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमको जब मार्केट प्राइस पे निकालना है तो क्या होगा जी डी एट मार्केट प्राइस माइनस ड्रिसिएशन है ना यही तो निकाला था हमने नेट हमने कैसे निकाला था ग्रॉस माइनस एप्रीसीशन किया था तो अगर हमको एनडीपी निकालना है मार्केट प्राइस पे तो हम क्या करेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकालेंगे मार्केट प्राइस में और उसमें हम डेप्रिशिएशन माइनस कर देंगे बट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस पे है क्या ग्रॉड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़ तो हमने क्या किया ये जो ये ये चीज़ है ना जो एक मिनट वो ये जो ये चीज़ है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस उसको यहाँ से रिप्लेस कर दिया उसको जब हमने यहाँ से रिप्लेस किया तो क्या आया ग्रॉस डोमेटिक जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़ और फिर एंड में माइनस डिप्रीशिएशन ठीक है ये आ गया तो ये एक रिलेशन हो गया एन डी पी एट मार्केट प्राइस और जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट के बीच में ठीक है ऐसे ही करके आपको आठ रिलेशन्स निकाल लें ठीक है अगली साइड में बता दूंगा सारे रिलेशन्स बट आपको ये ये आप अपने साइड से करो पहले इसको ये डायग्राम मत देखना अपने साइड से आप निकालो सारे रिलेशंस और फिर इससे मैच करना ठीक है तो साइड को पॉज करो और ये देखो कि कैसे निकल रहा है तो जैसे कि मान लो जीडीपी से स्टार्ट करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस अगर है हमारा और उसमें हम डेप्रीसीशन को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाएगा ठीक है और जी डी पी एट मार्केट प्राइस में हम नेट इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्सेज माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेज क्या है ये यही है कुछ बड़ी बात नहीं है ये यही है जो प्रोडक्ट टैक्सेज माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़ है ना ये जो प्रोडक्ट टैसेज माइनस प्रोडक्ट सब्सिडीज़ है इसी को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है इसी को हम बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्योंकि एक्चुअली में टैक्स कितना है एक्चुअली में टैक्स तो प्रोडक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज हो ना क्योंकि सब ये तो सरकार ने दिया है तुमको सब्सिडी तो, तो आपको सरकार ने दिया है राइट तो नेट जो है नेट टैक्स क्या होगा प्रोडक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी समझ में आ रहा है तो वो यही है कि अगर इसमें जब ये मार्केट प्राइस में ये माइनस कर दोगे तो फैक्टर कॉस्ट आ जाएगा समझ में आ रहा है क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में ही तो हम टैक्सेज माइनस सब्सिडी करते हैं है ना फैक्टर कॉस्ट में हम जब ये ऐड करते हैं टैक्सेज माइनस सब्सिडी तो मार्केट प्राइस आता है और ये टैक्सेस माइनस सब्सिडी एक्चुअली में है क्या दिस इज़ नेट इनडायरेक्ट टैक्स ठीक है तो ये जो नेट इनडायरेक्ट टैक्स जब हम जी डी पी ओ एट मार्केट प्राइस से माइनस करेंगे तो क्या आएगा जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट करेक्ट तो ऐसे ही करके सारे रिलेशनस हैं ये अब आप स्टडी करना कि जी, जैसे मान लो ये जी एन पी एट मार्केट प्राइस इसे डेप्रिशिएशन माइनस किया तो नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ गया समझ में आ रहा है फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट अगर मार्केट अगर अब मान लो ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यहाँ पे नेशनल प्रोडक्ट है कैसे निकालना है ये देखो ये रिलेशन बताया था ना एन डी पी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जी डी पी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्ट टैक्सेज माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज़ माइनस डप्रिशिएशन तो इस टाइप से सारे रिलेशन आपके निकलेंगे बैठो इसको करो ठीक है सारे रिलेशन ख़ुद से निकालो और इसके साथ मैच करो कि क्या ये सही आ रहा है ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि इसमें से सबसे अच्छा मेथड कौन सा है हमने देखा हमारे पास जी डी पी है हमारे पास जी डी पी है ठीक है, है हमारे पास एन डी पी है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है हमारे पास एन एन पी है ठीक है और ये ये सारी चीज़ें कहाँ कहाँ पर हैं ये सारी चीज़ें फैक्टर कॉस्ट पे भी हैं हमारे पास और ये हमारी हमारे पास सारी चीज़ें मार्केट प्राइस पे भी हैं करेक्ट तो इसमें सबसे अच्छा मेथड क्या है मेजर करने का समझ में आ रहा है सबसे अच्छा क्या मेथड है तो देखो हमको ये तो पता है कि जी जो है वो जी से बेटर होगा क्योंकि जी में तो आप फॉरनर्स का भी प्रोडक्शन इंक्लूड कर रहे हो ठीक है जो वो बाहर भेज रहे हैं है ना तो ये तो हमको इंक्लूड करना नहीं है कंट्री की अगर हम ग्रोथ मेजर कर रहे हैं ठीक है अगर हम इंडियन इंडिया India, की कंट्री ग्रोथ मेजर करें तो हमारा ये ट्रू पिक्चर नहीं देगा हमारा बेटर पिक्चर क्या देगा नेशनल प्रोडक्ट जो इंडियंस कर रहे हैं इंडियंस का डेवलपमेंट कितना हो रहा है वही तो हम मेजर करेंगे एज अ कंट्री एज अ होल करेक्ट तो जी बेटर है जी से ये तो हमको पता है ठीक है उसके बाद अगर हम जी देखें तो जी किसको रिफ्लेक्ट uh, करता है एम्प्लॉयमेंट लेवल कितना है क्योंकि भाई ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होगा ज़्यादा अगर डोमेस्टिक uh, प्रोडक्शन होगा तो ज़्यादा लोग एम्प्लॉय होंगे उसको बनाने में राइट right? तो वो एम्प्लॉयमेंट मेजर करता है जबकि जो जी है जो हमारा नेट जो हमारा नेशनल प्रोडक्ट है दैट मेजर्स रेमिटेंस क्योंकि बाहर से इंडियन इंडियंस जो यू you नो know, इंडिया में पैसा भेज रहे हैं उसकी को हम तो रेमिटेंस बोलते हैं तो ये इनडायरेक्टली रेमिटेंस को बताता है जी ठीक है और हमें ये पता है कि नेट जो है वो ग्रॉस से बेटर है क्योंकि ग्रॉस तो मतलब सब कुछ इंक्लूड कर देता है वो डेप्रीशिएशन हमको उसमें से माइनस करना पड़ता है तभी नेट आता है तो डेप्रिशिएशन हम अकाउंट करते हैं नेट में तो वो हमको अकाउंट करना पड़ेगा ठीक है तो नेट इज़ बेटर इंडिकेटर देन ग्रॉस और हमको ये भी पता है कि फैक्टर कॉस्ट इज बेटर देन मार्केट प्राइस क्योंकि फैक्टर कॉस्ट रियल एक्चुअली डेटा बताता है कि रियल प्रोडक्शन में कितना इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है टैक्स नहीं तो मार्केट प्राइस में क्या होता है मार्केट प्राइस तो ऊपर नीचे टैक्स के भी ऊपर नीचे होने से हो सकता है राइट तो बेटर इंडिकेटर फैक्टर कॉस्ट है तो अब हम अब हमको क्या पता चल गया ये इन इन सब को अगर हम यू नो कंबाइन करके देखेंगे तो बेस्ट इंडिकेटर इज़ नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट दिस शुड बी द इंडिकेटर जो मेजर होना चाहिए यू नो ग्रोथ मेजर करने के लिए बट इवेंचुअली ये होता नहीं है हम मेजर तो जी से ही करते हैं बट अगर आपसे कोई पूछे कि बेस्ट यू नो बेस्ट इंडिकेटर कौन सा है सब में टू मेजर द ग्रोथ तो दैट वुड बी एन एन पी एट फैक्टर कॉस्ट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट इज़ द बेस्ट इंडिकेटर समझ में आ रहा है क्योंकि नेट बेटर है और नेशनल बेटर है जीडीपी uh, डी से नेशनल इज़ बेटर देन डोमेस्टिक ठीक है नेट इज़ बेटर देन ग्रॉस एंड एफसी इज़ बेटर देन एमपी मतलब मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट इज़ बेटर देन मार्केट प्राइस तो ये जो है वो सबसे अच्छा इंडिकेटर uh, है ठीक है अब नेक्स्ट एक कंसेप्ट है कि जी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड क्या होता है समझ में आ रहा है वो हमने कार का एग्ज़ाम्पल याद है जैसे हमने वो वीट का एग्ज़ाम्पल या पढ़ा था प्रोडक्ट वैल्यू एडेड मेथड में हमने पढ़ा था ना कि वो वीट उसने पचास रुपये का यूज़ किया फिर उसने ब्रेड बना दी दो सौ रुपए की ठीक है वीट पचास रुपए का वीट यूज़ करके उसने दो सौ रुपए की अगर ब्रेड बना दी तो इसमें वैल्यू ऐड कितना हुआ उसमें वैल्यू ऐड हुआ डेढ़ सौ रुपए का ठीक है तो इसका एक फार्मूला लिखा हुआ है कि भाई जी वी ए क्या होता है उसको हम जीवीए बोलते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड ग्रॉस वैल्यू एडेड वैल्यू आपने कितनी ऐड करी तो वो क्या होगा फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट माइनस इंटरमीडिएट गुड्स का कॉस्ट समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है ना इंटरमीडिएट गुड्स कितने हैं उसका कॉस्ट हम माइनस कर देंगे और फिर आउटपुट से हम उसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा कि वैल्यू हमने कितना ऐड किया है ठीक है तो मान लो जैसे ये चेयर है फॉर एग्ज़ाम्पल ये चेयर है इसको बनाने में लेट से आपने वुड यूज़ किया इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया वाटर यूज़ किया इतना सब आपने चीज़ें यूज़ करी हैं इस एक चेयर को बनाने में और मान लो ये जो आपने सब चीज़ें यूज़ करी हैं उसका कॉस्ट है थर्टी यूरोज़ ठीक है और आप ये जो चेयर है उसको बेचते हो फिफ़्टी यूरोज़ में ठीक है तो आपने जो वैल्यू ऐड करी है दैट वुड बी फिफ्टी माइनस थर्टी दैट इज ट्वेंटी यूरोज क्योंकि ट्वेंटी तो क्योंकि थर्टी तो ऑलरेडी आपके पास ये था ही है ना आपने अलग से वैल्यू कितना ऐड किया दैट इज ट्वेंटी यूरोज ठीक है तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस वैल्यू एडेड ओके तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कंसेप्ट को पढ़ेंगे जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अपने दोस्तों को रिकमेंड करें अपनी क्वेरीज आप हमको क्वेरीज एट द रेट वे डॉट कॉम पर भेज सकते हैं जहाँ पर हम आपका रिप्लाई इंस्टेंटली करेंगे और पढ़ते रहिए हार्डवर्क करते रहिए है ना अगले लेक्चर में मिलते हैं थैंक यू बाय बाय टेक केयर